स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का, एक कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, डायमीटर 12 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो एक क्या दिया हुआ है हम लोग का, कंटेनर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोगों का? कंटेनर दिया हुआ है। इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है हम लोग का? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इनका आपका हाइट कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कंटेनर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया आपका, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ये जो कंटेनर है इसके अंदर में क्या है आपका, आइसक्रीम क्या है हम लोगों का? फुल है, ठीक है ना, भरा हुआ है, वेरी गुड। उसके बाद दिया है द आइसक्रीम इज टू बी फिल इन टू कौन ऑफ, अभी जो आइसक्रीम जो कौन सा शेप में है, कौन का शेप में है, ठीक है ना। आइसक्रीम क्या का शेप में होता है आपका? कौन का शेप में होता है? तो आइसक्रीम का शेप कितना दे दिया हम लोग का? 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग का देख लीजिए, हम डायग्राम भी आप लोग को कर दिया, ठीक है ना। तो आपका हाइट कितना दे दिया कौन का आपका, आइसक्रीम का? 12 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर कितना दे दिया आपका? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए डायग्राम में हमने कौन आपका कर दिया 6 सेंटीमीटर, इनका हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी दिया हुआ हैव ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अभी जो आइसक्रीम है उसको फिर एक हेमिस्फेयर का शेप में कुछ आपका ढक्कन हिसाब से लगा दिया गया, ठीक है। तो आइसक्रीम है उसको क्या किया आपका, हेमिस्फेरिकल शेप में उसको ढक दिया गया है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप में। इसीलिए आपका डाउट हो सकता है कि कौन का ऊपर में ऑलरेडी आपका आइसक्रीम शेप में होता है, लेकिन इसमें क्या है, आइसक्रीम तो है ऑलरेडी, फिर भी आपका हेमिस्फेरिकल शेप में क्या किया, ढक दिया गया आइसक्रीम को, ठीक है। इसलिए हेमिस्फेयर का सिस्टम को दिया हुआ है, या मैंने कौन है पर फिर भी इसको हम हेमिस्फेयर कर दिया आपको समझने के लिए। ऑन द टॉप, टॉप को ढक दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ द सच कोन विच कैन बी फिल इन आइसक्रीम। इसका मतलब कोन का शेप में जो आइसक्रीम है, अभी ये जो कंटेनर है, कंटेनर मतलब जो है सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में जो कोन है आपका आइसक्रीम है वो कितना है सिलेंडर के अंदर में, हम लोगों को वो निकलना है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अगर आप लोग मेंसुरेशन, आप लोग कहता है कि बहुत टफ है, लेकिन मेंसुरेशन का अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने डायग्राम बना लिया और आपको फॉर्मूला याद है, सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ आपको क्वेश्चन को समझना है, डायग्राम को बना लीजिए, किसका डायमीटर कितना है, किसका हाइट कितना है, उसके बाद क्या निकलना है हम लोग को। तो इसमें हम लोगों को निकलना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कौन, ठीक है ना, यानी कि आइसक्रीम कितना है आपका, ठीक है। आइसक्रीम का शेप में कौन का शेप में आइसक्रीम है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ, तो इसका अंदर में भर्ती है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी मैं आप लोगों को समझ जाता हूँ, हर समय मैं आप लोगों को ट्राई करता हूँ कोई बेसिक समझा के जाने के लिए, बस समझाना, हमेशा ट्राई करता हूँ कोई बेसिक समझाने के, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन स्लिप सॉल्व कराना है आप लोगों को, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है, आपको जब भी कुछ चीज़ भर्ती होता है कुछ भी क्वेश्चन में, तब आपको याद रखना है कि वो अगर भर्ती है तो हमको क्या निकलना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर कुछ चीज़ खाली दिया होता है उसका अंदर को निकलना है, तो आपको मालूम होना है कि यह एरिया का क्या करना है हम लोगों को, एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। पर यहाँ में आइसक्रीम से भर्ती है एक कंटेनर, तो हम लोग का जब भर्ती है तो क्या का क्या यूज़ करेंगे हम लोग, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एनी डाउट, क्वेश्चन क्लियर, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्व, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन, आइसक्रीम का मतलब हम लोग का सिलेंडर, एक कंटेनर जो है सिलेंडर का सब में उसमें था ना, ठीक है। पर हम लोग को आइसक्रीम कितना है निकालना है, यानी कि कौन कितना है निकालना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम लोग को मालूम नहीं होता तो उसको हम लोग एक्स वाई पी कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एन, क्या मान सकते हैं, एन, आप पी भी मान लीजिए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस, और क्या करेंगे बताइए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो आप क्वेश्चन समझ गया, आप क्या यूज करना, आप लिख लिया वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू
एन मान लिया हम लोग कौन को, इन टू वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसमें हम लोग वॉल्यूम और कौन को प्लस क्यों किया है, क्योंकि कौन और हेमिस्फीयर को प्लस क्यों किया है, क्योंकि आपका कौन और हेमिस्फीयर तो एक साथ में है ना, तो इसलिए दोनों को हम लोग प्लस करके लिखा है, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, पाई, बताइए बताइए, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप लोगों का फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, तो इसको एच वन कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, इज इक्वल टू एन का एन। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, इसको एच टू मान लिया हम लोग का, ठीक है, कि कौन को हम लोग टू मान लिया, इसका आर टू मान लिया प्लस। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, टू बाई थ्री पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिख लिया, आप लोग क्वेश्चन समझ गया, डायग्राम बना दिया, अभी क्या चाहिए उसको लिख दिया हम लोग, इसका फॉर्मूला को लिख दिया, अभी क्या करना है हम लोग को, वैल्यू को पुट अप करना है। ठीक है, तो वैल्यू को पुट अप करने का पहले सबसे आप देखिए, कुछ अगर कॉमन समन हो सकता है तो कॉमन भी ले सकता है, और सॉल्व होता है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वैल्यू पुट अप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, पाई का पाई। ठीक है, तो सिलेंडर का आपका रेडियस कितना था हम लोग का, सिलेंडर का रेडियस कितना था हम लोग का, आपका डायमीटर अगर 12 होता है, डायमीटर किसको बोलता है, पूरा को बोलता है ना डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हम लोग का, यानी कि 12 बाई 2 होता है ना, ठीक है, 2 6 12, तो रेडियस कितना निकल गया हम लोग का, 6। कभी भी डायमीटर का 50% होता है उसका रेडियस। ठीक है, ये हम कर रहा हूँ सिलेंडर का। ठीक है, और इसका हाइट कितना था हम लोगों का, 15 सेंटीमीटर था। ठीक है, क्लियर है, ये सिलेंडर का मैं बिठा रहा हूँ इसलिए यहाँ मैं सॉल्व करके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका सिलेंडर का, ठीक है ना, तो इसका रेडियस कितना निकल गया हम लोगों का, 6, यानी कि क्या है, 6 का स्क्वायर है ना हम लोगों का, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वेरी गुड, 6 का स्क्वायर है तो हम लोग 6 × 6 कर सकते हैं दो बार। हाइट कितना है इसका, 15 है आपका सिलेंडर का, 15, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 15 इक्वल साइन एन। अभी 1/3 का, 1/3 पाई का पाई। ठीक है, रेडियस कितना है आप लोग का, कौन का, कौन का रेडियस कितना हो जाएंगे, ये देखिए मैं यहाँ में कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ में थोड़ा साइड में कर देता हूँ, कौन का, ठीक है ना, कौन का कर देता हूँ, कौन का डायमीटर कितना है हम लोग का, 6 है, कौन का डायमीटर कितना है हम लोग का, 6 है, तो आपका रेडियस क्या हो जाता है, डायमीटर बाई 2 होता ना, तो 2 × 3 से कितना हो जाएगा, 6, तो आपका रेडियस कितना निकल गया, 6, और इसका हाइट कितना हो जाएंगे हम लोग का, कौन का 12 है ना, कौन का हाइट कितना हो गया हम लोग का, 12 हो गया, एनी डाउट, तो हम लोगों का रेडियस कितने हम लोग का, 3 निकल चुका था हम लोगों का, तो यहाँ में क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 × 3 यानी कि हाइट कितना है हम लोगों का, कौन का हाइट कितना है, 12। आप लोग डिस्कशन मत कीजिए आपस में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 12। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस है हेमिस्फीयर, 2/3 का 2/3 पाई का पाई। अभी हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा आप लोगों का, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा हम लोग का, मिलेगा 3, वेरी गुड, 3 × 3 × 3 क्यूब है ना, इसलिए 3 टाइम्स लिखा हम लोगों ने। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई का पाई इंटू 6 × 6 = 36 इंटू 15 का 15 इक्वल साइन एन का एन। ठीक है, आपका अभी क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो 3 कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया हम लोगों का, या में पाई का पाई बच गया हम लोगों का, और या में 3 × 2 = 6 3 × 1 = 3 36, और क्या बच गया हम लोगों का, कुछ डाउट होगा तो हम कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
कुछ भी समझ में नहीं आता, पूछिए हमको। प्लस का प्लस, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे 36 आ गया, पाई का पाई, ठीक है। अभी यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, यहाँ का 3 कैंसिल। अभी आपका क्या बच गया यहाँ पे, आपका 18 पाई होगा, श्योर है? 3 जा 9 2 जा 18, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपका 18 पाई। वेरी गुड, समझ में आया? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पाई का पाई इंटू 36 का 36 इंटू 15 का 15 इंटू पाई, पाई दोनों में है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं, एन इंटू पाई, बच गया क्या हम लोग का 36 प्लस 18। वेरी गुड, अभी पाई पाई हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोग पाई पाई को कैंसिल कर देते हैं, पाई और पाई कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अभी बच गया क्या हम लोगों का, एन इज इक्वल टू 36 इंटू 15 बाई, दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 54, कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैंसिल करने से कितना हो जाएंगे हम लोगों का, इसको आप लोग, मैं गंदा नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको आप लोग कैंसिल करके देख लीजिएगा, तो आपके एन इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे हम लोग का 10, तो कितना आइसक्रीम हो गया आपका, कितना कौन हो गया 10, 10 कौन, ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे आप लोग, कॉमेंट कीजिए, और समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो और भी वीडियो अच्छा से करूंगा मैं, ठीक है ना, मुझे भी हौसला मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, ठीक है ना। यस सर, थैंक यू, थैंक यू सर।